start grammar portion now, and the grammar portion starts with phrases. सबसे पहले तो lesson number 11 phrase. अब इस वीडियो में हम तीन chapters cover कर रहे हैं क्योंकि तीनों ही sentences से related है, that is group of words से related है. पहला chapter जो हम cover करेंगे that is phrase. Second is kind of sentences and the third is subject and predicate. तीनों topics आपके sentence से related हैं. सबसे पहले तो अपन देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स से दो चीजें बनती है, या तो फ्रेज बनेगा या तो सेंटेंस बनेगा. ठीक है, फ्रेज जो होता है दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. मतलब कुछ ऐसा इनकम्प्लीट रहेगा जिसके कारण आपको पूरा पूरा मीनिंग नहीं निकल के आएगा. सेंटेंस भी क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो पूरा पूरा मीनिंग आपको निकाल के देता है, दैट इज सेंटेंस. ठीक है, नाउ सेंटेंस के साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी. तीनों में से जो भी टाइप का सेंटेंस होगा उस हिसाब से एंड में मार्क लगेगा. एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क, एंड इफ इट इज अ प्लेन सेंटेंस दैन इट विल बी अ फुल स्टॉप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट टाइप इज स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव. ये सेंटेंस ऐसा टाइप होता है जो आपको कुछ स्टेट करता है, कुछ बताता है, कुछ डिक्लेयर करता है. ओके, इट इज अ प्लेन सेंटेंस एंड इट एंड्स विद अ कैपिटल, सॉरी इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप एंड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. नेक्स्ट टाइप इज क्वेश्चन, और वी कैन से इट इन अदर वर्ड्स और विद अनदर नेम इंटरोगेटिव सेंटेंस. द सेंटेंस और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच आस्क्स यू अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ द थर्ड टाइप इज इंपरेटिव सेंटेंसेस. इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्चुअली वो आपके रिसीव के भी कमांड, रिक्वेस्ट या डिजायर को शो करता है. ठीक है, इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. लास्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए यूज होता है एंड इट इज इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. अभी अपन ने टाइप्स देखे हैं, काइंड्स देखे हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. पहला पार्ट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इट कैन बी नाउन इट कैन बी अ प्रोनाउन. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट, जो भी सेंटेंस में आगे की बात हो रही है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जो बोला जा रहा है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ओके, आई होप यू विल गो थ्रू द थ्री चैप्टर्स प्रॉपरली एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दीज थ्री चैप्टर्स यू कैन कॉन्टैक्ट.